आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी अधिकारियों और नेताओं के साथ मिलकर एक बैठक आयोजित की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने 26 मई को केंद्रीय सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 2 वर्षों में हुई उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए 26 मई से 15 जून तक विकास पर्व मनाने का निश्चय किया। वहीं बैठक में पार्टी के सभी माननीयों के सुझाव भी लिए गए। बैठक विशेष रूप से संगठनात्मक मजबूती, बूथ स्तर तक की किस प्रकार से हमारे बूथों की इकाइयों का गठन, उसकी सारी जानकारी ली गई। और उसके अतिरिक्त 26 मई को जो केंद्र सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस 2 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए हमने 26 मई से लेकर 15 जून तक विकास पर्व मनाने का निश्चय किया है। उसके संबंध में सबको जो केंद्र से सूचनाएँ थी वो भी उपलब्ध कराई गई, सबके सुझाव भी लिए गए। 26 मई को इसी दृष्टि से देश भर में केवल एक सभा माननीय प्रधानमंत्री जी की है जो सहारनपुर में है, उसमें देहरादून का भी शासकीय है, हरिद्वार जिला और देहरादून जिला, जिसमें हमारे 5 संगठनात्मक जिले हैं, रुड़की, हरिद्वार, परवादून, पछवादून और देहरादून, यहाँ से भी 25,000 लोगों की संख्या उस सभा में जाएगी, उसकी भी योजना रचना सारी बनी है। इसके अतिरिक्त जो हमने 26 मई से लेकर 15 जून तक विकास पर्व मनाया है उसमें 6 स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम निश्चित हुए हैं केंद्र की ओर से, जिसमें केंद्र के मंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री, हमारे राष्ट्र के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश का कोई ना कोई पदाधिकारी, ऐसे 4 लोग 6 स्थानों पर जगह जगह पर, कहीं पर सार्वजनिक सभा होगी, कहीं पर हमारे इंडोर कार्यक्रम होंगे, कहीं कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे, कहीं पर लाभार्थियों के सम्मेलन होंगे, कहीं पर पूर्व सैनिकों के सम्मेलन होंगे, खिलाड़ियों के होंगे। इस प्रकार से जैसी जैसी योजना को अंतिम रूप देंगे उस संबंध में सबके विचार विमर्श हुआ है। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से पवन नेथानी।